इसको लोकस्ट कहते हैं। ये पैर देख रहे इसके ऊपर बना होता है, टांगे भी है। तो इसके टेस्ट कैसा होते हैं? सर नहीं आप बताइए, आपने खाया हुआ है? सर जवाब भाई कह रहे हैं मैंने भी खाया है। सर जी 50-50 चल तेरी एक लेग नहीं, वो लेग सर जी ये क्या तोड़ा, वो भी खाने दे ना भाई, थोड़ा सा टांग कच्ची नहीं करना, प्रोटीन होती है, काम ही खा लेना, नहीं खाने प्रोटीन होता है सर। टाइम ना आने सर, आप सर गार्सियार को भी थोड़ा सा टेस्ट कराइए सर जी, मेरे ऊपर कुछ आ गए नमक की जरूरत नहीं है सर, आप करके दिखाएं सर टेस्ट कैसे है उसके टेस्ट जरूरी नहीं है निकलना, खा ले खा ले खा ले सर, फेंक दे प्रोटीन होती है क्या होता है इसका फायदा क्या ये भाई चल बात खत्म हो गई अल्लाह और उसके रसूल ने इसको हलाल किया है, इसलिए इसको पका कर आप खाएं। जिंदा तो नहीं खाते जी, नहीं आपको बताना था आपके सामने वो जो आते हैं नेशनल ज्योग्राफी में अंग्रेज क्या कुछ खाते yes, हैं yes, है। तो अब ये तो हलाल चीज है ना भी yes. ये हलाल है सर yes, हाँ जी ये हलाल है, अल्लाह और उसके रसूल ने कहा साली टिड्डी दिल होती वो भी हलाल होती है, टिड्डी दिल थी लोग आई हुई है, जाके ढूंढे वहाँ बहुत सारी पड़ी हुई है, हम खाएंगे। तो भाई दिखाने लेकर हम यादा करने लगे हैं, देखें आप जियोलॉजिस्ट हैं yes, sir. आपको पता होना चाहिए था कि आप जियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है तरीकाकार मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि इसको पका के खाना चाहिए, इसलिए कि पकाने से बहुत सारी चीज़ें आग है ख़त्म कर देती, आतिश प्रस्त ना पूजे ही देखते थे कि आग तो बड़ी खिदमत करती है, इंसान को हीट देती है, जलाता है, साफ चीज़ें साफ़ हो जाती हैं, जो भी पानी है दूसरे पका के खाना चाहिए, मैं आपकी बात एग्री करता हूँ, सिर्फ आपको बताने के लिए कम से कम आप जियोलॉजिस्ट हैं। आजकल सिंध के अंदर इसके पुलाव बना के खाए जा रहे हैं, आप जियोलॉजिस्ट हैं, पूरे घर वाले बिशप आपको कह रहे हैं आपने और अपना इंतहाई टेस्टी है।